हेलो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्या है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड आउट करना है जिसके अंदर हमें टू साइड्स गिवन है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज़ फोर्टी सेंटीमीटर और इस ट्रेंगल का पेरीमीटर हमें गिवन है फोर्टी सेंटीमीटर तो पेरीमीटर की हेल्प से और इन टू साइड्स की हेल्प से हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे देन हम एरिया ऑफ ट्रेंगल ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर जो गिवन है वो क्या है पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल वो गिवन है, में 42 triangle, है वो हमें फोर्टी टू सेंटीमीटर वन साइड ऑफ ट्रेंगल ए मान लेते हैं वो है हमारे हमें गिवन है एटीन सेंटीमीटर सेकेंड साइड ऑफ ट्रेंगल बी मान लेते हैं वो है टेन सेंटीमीटर थर्ड साइड हमें नहीं पता है तो थर्ड साइड ऑफ ट्रेंगल सी मान लेते हैं वो सी ही है ठीक है तो यहां पे क्या लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स तो पेरीमीटर गिवन है फोर्टी टू सम ऑफ ऑल साइड क्या हो जाएगा एटीन प्लस टेन प्लस सी तो यहाँ पे क्या आ गया फोर्टी टू इज इक्वल टू टेन और 18 क्या हो गया ट्वेंटी एट प्लस सी ट्वेंटी एट को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो फोर्टी टू माइनस ट्वेंटी एट इक्वल टू सी और सी साइड जो आ गई हमारी वो क्या आ गई फोर्टीन सेंटीमीटर तीनों साइड्स हमें पता चल चुकी नेक्स्ट हमने क्या करना है ए का पता है हमें एट्टीन बी का पता है टेन और सी का पता है हमें फोरटीन सेमी पैरिमीटर निकालना है ए प्लस बी प्लस सी बाय टू ए की वैल्यू है एटीन बी की वैल्यू है टेन सी की वैल्यू है फोर्टीन डिवाइडेड बाय टू करेंगे टेन और एटीन आ गया हमारा हो गया ट्वेंटी एट और फोरटीन हो गया फोर्टी टू बाई टू तो आ गया ट्वेंटी वन सेंटीमीटर अब हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्रेंगल कैसे निकलेगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं एस क्या है ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन माइनस फर्स्ट साइड क्या थी एटीन सेकेंड साइड है हमारी ट्वेंटी वन माइनस में टेन और थर्ड साइड है ट्वेंटी माइन वन माइनस में फोर्टीन सोलआउट करते हैं इसको ट्वेंटी वन इंटू में ट्वेंटी वन में से एटीन गया थ्री ट्वेंटी वन में से टेन गया इलेवन ट्वेंटी वन में से फोर्टीन गया सेवन क्लियर है इसको सोल आउट कर लेते हैं ट्वेंटी वन को फैक्टराइज करके लिखो सेवन इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू इलेवन इंटू सेवन एक तो थ्री का पेयर बन गया एक हमारा बन गया सेवन का पेयर तो पेयर में से रूट में से एक वैल्यू बाहर आती है सेवन बाहर आ गया यहां से थ्री बाहर आ गया अंदर बचा अंडर रूट इलेवन तो क्या हो गया सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन अंदर क्या बच गया अंडर रूट इलेवन ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वेयर दिस इज द आंसर बिल्कुल ईजी था आपको समझ में आ गया होगा कोई डाउट अगर लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक्स